हाय डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने बोर्स थ्योरी के तीन पोस्टुलेट स्टडी किए हैं और तीन पोस्टुलेट्स के हमने इक्वेशन भी पिछले वीडियो में आपको स्टडी डिस्कस किए हैं। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स। आज हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स का यानी इक्वेशन फॉर यंत रेडियस ऑफ इक्वेशन फॉर यंत ऑर्बिट का इक्वेशन निकालेंगे। उसके बाद हम वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट का इक्वेशन निकालेंगे। उसके बाद एंगुलर स्पीड का और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या रिलेशन है ये भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ऑर्बिट ये भी आपको हम डिस्कस करेंगे आज। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ क्या रिलेशन है, हाउ इट इज अ प्रोपोर्शनलिटी, वेदर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, सो ये जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट का जो इक्वेशन निकालने के लिए हम कौन से पोस्टुलेट्स यूज करेंगे, तो हम दो पोस्टुलेट्स यूज करेंगे। फर्स्ट टू जो पोस्टुलेट्स है वो हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालने के लिए यूज करेंगे। जो फर्स्ट जो पोस्टुलेट्स का जो इक्वेशन है डियर स्टूडेंट, वो है एम ई वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन, और इट इज अ बैलेंस विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये है सेंट्रिपिटल फोर्स और इट इज बैलेंस विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर एन स्क्वायर। ओके, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर एन स्क्वायर यानी वी एन स्क्वायर, वेयर जेड इज द एटॉमिक नंबर, एम ई इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये जो आर एन है ये है रेडियस ऑफ द यंत ऑर्बिट। ये क्या है, रेडियस ऑफ द यंत ऑर्बिट। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और उसके बाद जो सेकंड जो इक्वेशन है वो सेकंड इक्वेशन एम ई वी एन आर एन दैट इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, यानी एच अपॉन 2 पाई। ये जो सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन को हम क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम करते हैं। ये इक्वेशन से क्या इंडिकेट हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज वेयर दिस स्मॉल एन इट इज द एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड दिस स्मॉल एन इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये स्मॉल एन और ये स्मॉल एन में क्या है डिफरेंस है, ये स्मॉल एन यंत ऑर्बिट का सफिक्स है लेकिन ये जो स्मॉल एन है इंटीग्रल मल्टीपल है, इट इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, अब ये जो सेकंड इक्वेशन है वो सेकंड इक्वेशन से हमें वी एन की वैल्यू क्या मिलेगी, वी एन इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम ई आर एन। वी एन की वैल्यू क्या मिलेगी, एन एच अपॉन 2 पाई एम ई आर एन। ये होगा हमारा थर्ड इक्वेशन बोलेंगे इसको। इसका हमने अगर स्क्वेयरिंग अगर किया तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज वी एन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर आर एन स्क्वायर। ओके, अब ये जो वी एन स्क्वायर की जो वैल्यू है, ये वी एन स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन व्हाट वी गेट दैट इज एम ई अपॉन आर एन और ये वी एन स्क्वायर की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर आर एन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर एन स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये राइट हैंड साइड होगी। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में
कॉमन कौन से टर्म है वो हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ओके, वो कैंसल हो गए। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है ये है 4π, यहाँ पे भी 4π, लेकिन यहाँ पे 1π क्या रहेगा, बाकी रहेगा। ओके, सो यहाँ पे ये कैंसल हुआ। उसके बाद ये RN² और RN² क्या हुआ, कैंसल हुआ। ओके, उसके बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 ME क्या होगा, ये कैंसल होगा, ये ME और ये ME क्या होगा, कैंसल होगा, यानी डिनोमिनेटर में ये ME क्या रहेगा, बाकी रहेगा। ओके, सो देयरफॉर फ्रॉम दिस कैंसलेशन वी गेट RN इक्वल टू, कैंसल होने के बाद अपने को RN का इक्वेशन क्या मिलेगा, दैट इज एप्सिलॉन जीरो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई, एक ME, पाई ME और ये झेड ई स्क्वायर, पाई ME झेड ई स्क्वायर। इक्वेशन फॉर रेडियस ऑफ एन तो ऑर्बिट एप्सिलॉन जीरो एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई ME झेड ई स्क्वायर, ये हो गया हमारा इक्वेशन, ये हो गया हमारा इक्वेशन रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। इसमें एप्सिलॉन जीरो को हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, लेकिन हमारा जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक में एप्सिलॉन जीरो को क्या कहा है, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम कहा है। उसको आपको करेक्शन करना है डियर स्टूडेंट, परमेबिलिटी का जो सिंबल रहता है वो है μ0 नॉट एप्सिलॉन जीरो। ओके, सो एप्सिलॉन जीरो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, झेड इज द एटॉमिक नंबर, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ME इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो टर्म है ये टर्म क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, सो वी राइट RN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन जीरो ME झेड ई एच आर कांस्टेंट मीन्स द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। व्हाट वी ड्रॉ द कंक्लूजन डियर स्टूडेंट फ्रॉम दिस इक्वेशन, दैट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी अगर हम ऑर्बिट की वैल्यू बढ़ाते हैं, यंग की वैल्यू हम बढ़ाते हैं, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होगा, बढ़ेगा। एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस देन रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, सो ये जो हो गया रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का इक्वेशन हो गया। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन पर से हम जो हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, क्योंकि आपको पता है डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो उसका जो एटॉमिक नंबर जो होगा वो होगा 1, यानी झेड की वैल्यू क्या होगी डियर स्टूडेंट, 1 होगी। ओके, अब ये झेड की वैल्यू 1 होगी और फॉर यन इक्वल टू वन दैट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट साइज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द साइज ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट, वी गेट R1। एन की वैल्यू अगर 1 लिखी तो एन इट इज रिप्लेस बाय 1 में होगा एप्सिलॉन जीरो एच स्क्वायर अपॉन पाई ME और झेड की वैल्यू 1 है, यानी यहां पे आएगा ई स्क्वायर। R1 दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो एच स्क्वायर पाई ME ई स्क्वायर। ओके, ये जो ई आया है, ये ई आया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई सफिक्स फॉर इलेक्ट्रॉन है, और ये जो ई है, ये ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो R1 इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो एच स्क्वायर पाई ME स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एज द बोर रेडियस। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, बोर रेडियस बोलते हैं, और बोर रेडियस इट इज डिनोटेड बाय ये जीरो, बोर रेडियस इट इज डिनोटेड बाय ये जीरो, और बोर रेडियस की वैल्यू क्या होगी फिर एप्सिलॉन जीरो एच स्क्वायर अपॉन
पाई एम ई ई स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर, इसको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं बोर रेडियस। ये है बोर रेडियस, ये हो गई बोर रेडियस। ओके, अब ये बोर रेडियस का अगर हमने एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट की, उसके बाद एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर की, तो हमें ये जीरो की जो वैल्यू है वो वैल्यू मिलेगी 5.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 मीटर। 5.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 मीटर। अभी एंगस्ट्रॉम में कितना होगा, एंगस्ट्रॉम में होगा 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर, यानी डेसिमल पॉइंट हमें इसका अगर 10 अगर करना है तो उसमें प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा, यानी प्लस 1 अगर ऐड किया तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड से, वो हमें मिलेगा 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम। और उसके बाद अगर हमें इसको नैनोमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो और एक हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट क्या करना पड़ेगा, वन डिजिट क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, तो नैनोमीटर में होगा 0.053 नैनोमीटर, 0.053 नैनोमीटर। ये हो गई बोर रेडियस की, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम, स्मॉलेस्ट ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम। सो ये जो इक्वेशन है, ये आरएन का इक्वेशन, ये आरएन की इक्वेशन में अगर हम एप्सिलॉन जीरो एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम के लिए तो वन है, ओके सो ये अगर हमने अगर यहां पे अगर वैल्यू अगर डाली ये जीरो की, तो ये इक्वेशन कैसा होगा, दैट इज आर्यन दैट इज इक्वल टू ये जीरो एन स्क्वायर, आर्यन दैट इज इक्वल टू ये जीरो एन स्क्वायर। ये इक्वेशन पर से आप डियर स्टूडेंट कौन से भी ऑर्बिट का रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकाल सकते हो, 2, 3, 4। अगर यहां पे अगर मैंने एन की वैल्यू, एन का 2 ऑर्बिट के लिए रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना होगा, तो आर टू इक्वल टू ये जीरो और 2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू, नैनोमीटर में अगर निकालना है तो 0.053 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एंगस्ट्रॉम में अगर निकालना है तो 0.53 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अब हम इस पर से वेलोसिटी का क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। वेलोसिटी का जो इक्वेशन आएगा, ये इक्वेशन में हमें ये आर एन की वैल्यू क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमें क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, वी एन इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम ई, और आर एन की वैल्यू क्या डालना पड़ेगा हमें, एप्सिलॉन जीरो एन स्क्वायर एस स्क्वायर पाई एम ई जेड स्क्वायर, यानी पाई एम ई जेड स्क्वायर क्या जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, और एप्सिलॉन जीरो एन स्क्वायर एस स्क्वायर क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, यानी यहां पे होगा पाई एम ई जेड ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो एन स्क्वायर एच स्क्वायर। सो वीएन की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी डियर स्टूडेंट, यहाँ का 1n कैंसल, यहाँ का 1n कैंसल, यहाँ का एच कैंसल, यहाँ का एच कैंसल, यहाँ का पाई, ये पाई कैंसल, यहाँ का यमी, ये यमी कैंसल, और बाकी क्या रहा फिर, जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एन एच, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एन एच। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट का इक्वेशन, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट का इक्वेशन हो गया। ओके, और वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट का इक्वेशन वी एन इक्वल टू, और इसमें क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट का और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या रिलेशन है,
वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिट दैट इज वी एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. वी एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिट फॉल्स बाय द फैक्टर एन. वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिट फॉल्स बाय द फैक्टर एन यानी अगर हम एन की वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगी क्या? नहीं, ये क्या होगी? कम होगी. इट इज डिक्रीजेस एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस. लेकिन रेडियस ऑफ ऑर्बिट का कैसा है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होगी? एज द वैल्यू ऑफ एन इज इंक्रीजेस देन रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज ऑल्सो इंक्रीजेस. यानी ये एन की वैल्यू हो गई एन इक्वल टू वन. उसके बाद इसकी जो रेडियस रहेंगी इसकी रेडियस एन इक्वल टू टू को क्या आएंगी? ज्यादा आएगी. ये होगा एन इक्वल टू टू, बाद में होगा एन इक्वल टू थ्री, बाद में क्या होगा एन इक्वल टू थ्री. ओके, सो ये हो गए हमारी वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू और आर एन की वैल्यू. और उसके बाद हम निकालेंगे एंगुलर स्पीड की वैल्यू. और एंगुलर स्पीड का जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू क्या आएगी वो हम निकालेंगे. अभी आपको पता है डियर स्टूडेंट ओमेगा का जनरल जो फॉर्मूला है ओमेगा दैट इज इक्वल टू वी बाय आर. इट इज अ वेरी सिंपल ओमेगा दैट इज इक्वल टू वी बाय आर. सो वी की वैल्यू जेड ई स्क्वायर, इसको हम यन करते हैं, जेड ई स्क्वायर अपॉन जेड ई स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो यन याच इनटू इनटू. अब क्या होगा? ये पाई एम ई जेड ई स्क्वायर ऊपर जाएगा, पाई एम ई जेड ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो यन स्क्वायर या स्क्वायर. यानी ये जो रिलेशन है ओमेगा का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ वो क्या आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अब ओमेगा का अगर फॉर्मूला हमें देखा है इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी टू पाई एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब यानी ओमेगा यानी टू पाई क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया. यानी हम क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट? फ्रीक्वेंसी का रिलेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ क्या आएगा? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला रहता है डियर स्टूडेंट वो है वन बाई एफ. यानी टाइम पीरियड का क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, ये जो है ये हमने इक्वेशन निकाले है रेडियस ऑफ ऑर्बिट का, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ क्या क्या रिलेशन है, एंगुलर स्पीड का भी रिलेशन हमने बताया है, उसके बाद टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का. ये पूरा वीडियो जो है ये इम्पोर्टेंट वीडियो है डियर स्टूडेंट. टेक्स्ट बुक्स में हमारे सिर्फ आर एन और वी एन की वैल्यू निकाली है और ये जो है ये एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी क्या रहेगा? इम्पोर्टेंट रहेगा. और न्यूमेरिकल बेस भी क्या रहेगा? ये फॉर्मूले जो है वो क्या रहेगा? इम्पोर्टेंट रहेंगे. आप यहाँ पे ओमेगा का कंप्लीट फॉर्मूला भी निकाल सकते हो. ओके, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का भी कंप्लीट फॉर्मूला निकाल सकते हो डियर स्टूडेंट. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, आप हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो. अगर हमारा चैनल अगर किसी ने सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो ये वीडियो है वो नीडी स्टूडेंट को जो है वो शेयर कीजिए. और उसके बाद आप जो है आपका जो फीडबैक है वो फीडबैक भी हमें दीजिए. हमारा जो इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप आपके क्यूरीज भेज सकते हो. हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट महेंद्र बदुकले के नाम से ही क्या है अकाउंट है. और उसके बाद हमारा टेलीग्राम अकाउंट भी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम अकाउंट की जो लिंक दी है उसको आप ज्वाइन करके हमारा जो टेलीग्राम में जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो डियर स्टूडेंट.
और वो चैनल पे आपको टेलीग्राम पे आपको वीडियोस मिलेंगे, हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। ओके सो ये जो है ये आपके लिए क्या है डियर स्टूडेंट, सब बेनिफिट है, इसमें आपका कोई लॉस नहीं है। इसलिए ये जो वीडियो है ये वीडियो शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने से ही लिंक लगेगी, अगर आपने अगर फॉरवर्ड और रिवर्स में अगर वीडियो देखा तो लिंक नहीं लगेगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसा आया ये कैसा आया। वन बाय वन हम क्या करते हैं, डिस्कस करते जाते हैं। अगर आपने स्किप अगर किया तो वो आपको नहीं मिलेगा। और आपको मोर वीडियोस अगर देखना है तो ऊपर जो आई बटन में जो दिख रहा है वो आई बटन पे आप क्लिक करके आप उस पे अगर 12th के जो वीडियोस हमने बनाए हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, वो जो चैप्टर है दो चैप्टर पे वीडियो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।